अभी मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बात सारी रखी कि 2024 का चुनाव ये कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। और कई बार हम इतिहास के ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़े होते हैं जब हम आने वाली 3-4 पीढ़ियों का 20-30-50 साल का निर्धारण करते हैं, तो ये वैसा ही चुनाव इस बार इस देश में दिखाई देता है, क्योंकि 10 साल का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल है और हम सब ने देखा कि किस तरीके से उन्होंने एक मजबूत बुनियाद इस देश में, जो आम जनता की, साधारण से साधारण व्यक्ति की जरूरत क्या है उसको समझते हुए, चाहे वो शौचालय है, चाहे गरीब का मकान है, चाहे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन है, चाहे बच्चों की शिक्षा है, आयुष्मान भारत के माध्यम से गरीब लोगों का इलाज है, किसानों के खाते में हमारे इस संसदीय क्षेत्र में 4,500 करोड़ रुपए सीधा उनके खातों में फसल बीमा योजना का मुआवजा या किसान सम्मान निधि के माध्यम से डालने की बात है, उज्ज्वला योजना है, इस तरीके से बहुत बड़े बड़े ये काम किए जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी में एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आए, एक बदलाव लेकर के आए। और दूसरी तरफ इस देश के जो पुराने मुद्दे थे, 550 साल पुराना हमारे देश का राम मंदिर का मुद्दा, आजादी के बाद से धारा 370 का मुद्दा, महिलाओं के लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण का मामला, 3 तलाक खत्म कर देना, बाबा नानक की धरती, हमारा करतारपुर कॉरिडोर साहब जो बिल्कुल बॉर्डर पे था उसको भी इस भारत भूमि से जोड़ करके हमारे सिख भाइयों को वहां पर दर्शन कर सके, हर भारतवासी दर्शन करके आशीर्वाद ले सके, ये प्रावधान करके दिखाया। नागरिकता कानून में संशोधन किया, ये बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले हुए। और उसके साथ साथ आज लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हर राज्य के अंदर चल रहे हैं, कई रोड बन रहे हैं चौड़े चौड़े, 8 लेन 4 लेन 6 लेन, और इसी तरीके से कहीं एयरपोर्ट की आवश्यकता है तो एयरपोर्ट बने, अगर समुद्री किनारा है समुन्द्र के साथ लगता हुआ इलाका है तो बंदरगाह बने हैं, रेल की जरूरत है तो रेलें आई हैं। तो मैं तो इसलिए कि सारे साथी जो मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत का, कि हमें 2047 तक जब आजादी के हम 100 साल मनाए ये देश हमारा विकसित हो, उस संकल्प के साथ मैं भी जुड़ा हूं और आप सब लोग जुड़ करके मैं समझता हूं कि इस देश को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए तैयार है। इसलिए साथियों, ये चुनाव कोई व्यक्ति का चुनाव नहीं है, विचारधारा का जरूर है, सिद्धांतों का जरूर है, देश में ईमानदारी की राजनीति हो, समाधान की राजनीति हो, शोषण की व्यवस्था बंद हो जाए उसका चुनाव है। लेकिन जब देश का चुनाव होता है और लंबी उसकी आने वाले समय तक उसका परिणाम और उसका प्रभाव पड़ना होता है, तो मैं तो नरवाना के वासियों से यही अनुरोध करता हूं, जिस तरीके से 2014 के अंदर आपने मजबूती के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, वो 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ तो 2019 में उससे बड़े जनादेश के साथ 300 सीट पार करा करके दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। आज एक बार फिर मौका आया है 10 साल के इस कार्यकाल के ऊपर हमें मोहर लगानी और बहुत मजबूती से लगानी है, कमल खिलाना है और ऐसा खिलाना है कि वो ताकतें जो देश को कमजोर करती आई, जो गरीब दलित पिछड़े को, हमारे आदिवासी भाइयों को, हमारे और दो दूसरे साथी जो अंतिम पंक्ति में बैठे हैं, जिसने उनके साथ विश्वासघात किया, उनको जवाब मिलना चाहिए। किसी के खिलाफ व्यक्तिगत में नहीं समझता कि यहाँ कोई बात करने की आवश्यकता है, पूरा देश जानता है कि कौन आज इस देश में संविधान के खिलाफ है और कौन संविधान के साथ है। अभी हमारे साथी चर्चा कर रहे थे, बराला जी कह रहे थे कि किस तरीके से पूरा आरक्षण जो सामाजिक न्याय के लिए बना था, जिसमें सीधे सीधे तौर पे कहा गया था
कि धर्म के आधार पर नहीं, पिछड़ी जो जातियां होंगी सामाजिक न्याय उनको मिलेगा, आज उसका प्रारूप भी चेंज कर दिया। तो ये सीधे सीधे संविधान का भी अपमान है और बाबा साहब का भी अपमान है। जो लोग कहते हैं कि आज संविधान खतरे में है, मैं उनको एक ही बात कहना चाहूंगा, आपकी चलने रही देश ने आपको रिजेक्ट कर दिया, मोदी जी का साथ दिया, मोदी जी पे विश्वास किया और मोदी जी के साथ अब सबका सामूहिक प्रयास है 140 करोड़ लोगों का, इसलिए आप खतरे में, आपकी सीटें खतरे में है और कुछ खतरे में नहीं है साथियों। और तो बहुत मजबूत हुआ है। अभी बहन सुनीता दुग्गल जी कह रही थी कि हमारे भाई अशोक तंवर जी को यहाँ पर दो बार, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, ये नरवाना के लोग सारे साथी यहाँ पर बैठे हैं, अशोक तंवर जब सांसद था 9 से 14 पूरी ईमानदारी से इनकी सेवा करी, 18-18, 20-20 घंटे, 5-5 बार ग्रांट दिए के गांव में, पूछ लीजिए जी। ये तो मोदी जी का जादू है, ये तो मोदी जी का जादू है जो मैं हार गया। अरे इस बार भी जो भी कांग्रेस से हारेगा वो मेरे से ज्यादा वोटों से हारेगा, मेरी गारंटी है भाइयों, मेरी गारंटी है। इसीलिए तो टिकट बगा बगा के हारे करे, मैं टिकट चाहिए ही नहीं, टिकट चाहिए नहीं। आपने सुना होगा सारे लोग कह रहे हैं भाई हमें तो जितने भी उम्मीदवार बने हैं कह रहे भाई हम तो लड़ना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि देश जानता है कि 400 पार होंगे और पहले से ज्यादा मार्जिन के साथ होंगे और देश नई उम्मीदों के साथ, नई आशाओं के साथ, नई अपेक्षाओं के साथ और मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल खिलाने का काम करेगा। आदरणीय नायब सैनी जी के हाथों को मजबूत करेगा, मनोहर लाल जी के हाथों को मजबूत करेगा, भाई रामनिवास जी, आज हमारे एमएलए साहब भी यहाँ पर सहयोग और समर्थन करने के लिए आए हैं, मैं उनका भी आप सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि नरवाना से हम इतिहास बनाएंगे। जैसा कहा कि भाई ये जींद और नरवाने की धरती है, जिसका साथ दे देती है उसका मैं समझता हूँ कि बेड़ा पार कर देती है, लेकिन इस धरती के साथ भी बहुत छल कपट हुए हैं, आप सबके साथ भी बहुत ठगी हुई है। तो इसलिए ऐसे में जवाब लोकतंत्र में केवल और केवल वोट से दे सकते हैं, वो कमल का बटन दबाओ, 5 सेकंड के लिए जब बटन दबाओ तो देखो 75 साल में देश में किसने क्या किया, किसान के लिए क्या किया, गरीब के लिए क्या किया, मजदूर के लिए क्या किया, छोटे छोटे दुकानदारों के लिए क्या किया और इस देश को विकसित और आगे बढ़ाने के लिए क्या किया, जवाब आपके सबके सामने होगा। मैं एक बार पुनः मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अब जो समय शेष बचा है 12-15 दिन की ये बात है, आपने 60-65 दिन पूरी मजबूती से लगाए और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा इलेक्शन मोड में ही रहती है, सेवा के मोड में ही रहती है, लगातार सेवा का संकल्प लेकर के देश की आगे बढ़ती रहती है। तो इसलिए सारे रिश्तेदारी में, भाईचारे में जहां भी आपकी ड्यूटी है पूरी मजबूती से वो करिए। और 10 तारीख को युवा साथियों ने मोटरसाइकिल निकालने का एक दायित्व पार्टी की तरफ से आया है, 11 और 12 तारीख को हमने सबने अपने अपने बूथ पे जनसंपर्क महाअभियान करना है। आदरणीय मोदी जी भी करेंगे, नड्डा जी भी करेंगे, अमित शाह जी भी करेंगे और मंच पे बैठे हुए सारे नेता भी करेंगे। इसलिए अपना बूथ सबसे मजबूत, मेरा बूथ सबसे मजबूत का नारा देकर के आपने काम करना है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।